सर 2 दिन का टाइम दे दो मेरे को और नहीं दोगे आज ही चाहिए, मेरी खैर नहीं है आज सर 2 दिन का टाइम प्लीज। क्या कर रहा है यहाँ पे तू हीरो? हैं? काम करता है। कहाँ काम करता है? बेलपुरी। बेलपुरी कहाँ है तेरी? इतना सारा सामान उठा लेता तू? बैठ जा बेटा, तेरे से बात करनी 2 मिनट मैंने। करेगा बात मेरे से? पक्का? शर्म आएगा तो नहीं? चल अच्छी बात है यार। क्या नाम है बेटा तेरा? इधर होकर बैठ, इधर होकर हल्का सा। ए बस विकास, कितनी उम्र है तेरी? 10 साल का है यार। इतना भारी सामान कैसे उठाता है यार तू? एक मिनट रुकियो। अब ये भी भारी है भाई, और तेरा ये भी भारी है। इतना मेहनती कैसे है भाई तू? हैं, थोड़ा तेज बोल। काम करना पड़ता है। किसने बोला काम का, ये काम करने के लिए? पढ़ते भी हैं? कौन सी क्लास में? अरे वाह, पढ़ाई भी करता है और ये मेहनत। थोड़ा तेज बोल बाबू। अच्छा 3री क्लास में हो तो इंडिया गेट पे ये सामान बेचने कितने बजे आते हो बेटा? हमारी हम 8 बजे जाते हैं स्कूल और 2 बजे घर। 8 बजे सुबह स्कूल जाते हो आप, 2 बजे आ जाते हो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इंडिया गेट पे सामान बेचने आ जाते हो। कितने घंटे बेचते हो बेटा? कितने कमा लेते हो रोज के? 200-500। तो जिस दिन 500 आते उस दिन तो भाई साहब बहुत खुशी होती होगी बाबू, मस्त वाली है। कितने भाई बहन हो बेटा आप? चार भाई एक बहन है। अच्छा एक बात पूछूं, पढ़ लिख के क्या बनना है बेटा? हीरो बनना है? अरे भाई साहब ताली दे। वो जो फिल्मों में आते हैं सलमान खान गोविंदा, वैसा वाला हीरो बनना है? सलमान खान तो आया था, आपने बनना वैसा वाला हीरो है? एक्टिंग कर लेते हो? नहीं। तो फिर हीरो कैसे बनोगे यार? कमाल है, बड़े होके नहीं करोगे? मेरे को आप एक्टिंग करके दिखाओ, ठीक है? अब मैं हूँ गुंडा, आप हो हीरो, तो आपने मेरे से पैसे लेने हैं। खड़े हो जाओ, मैं हूँ गुंडा और आपने मेरे से पैसे लेने, आपके पैसे नहीं दे रहा, तो आप कैसे एक्टिंग करोगे? ठीक है, रुक जाओ मैं आता हूँ आपके पास, एक मिनट रुक जाओ। सर 2 दिन का टाइम दे दो मेरे को और। नहीं दोगे? आज ही चाहिए, मेरी खैर नहीं है। सर 2 दिन का टाइम प्लीज़, सर प्लीज़ समझा करो ना सर, मैं नहीं दे पाऊँगा सर आज। मारोगे तो नहीं आप? नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा आज ही देने? नहीं है सर पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत नहीं दे सकता सर, पैसे नहीं है। सर मैं गुंडा तो हूँ लेकिन मेरे को डर लगता है आपसे, क्योंकि मालिक साहब आपका नाम बहुत ऊपर है ना मार्केट में, आपको सब जानते हैं ना, आपको सब जानते हैं ना, तभी सर आपसे डर लगता है मेरे को। तुरंत पैसे नहीं है सर, माफ़ कर दो, तुरंत नहीं है सर, माफ कर दो सर, मैं जा रहा हूँ सर, डर लग रहा है सर। प्रैक्टिस करा कर बेटा, शीशे के सामने खड़ा होगा, ठीक है? एक्टिंग पता कैसे होती है? शीशे के सामने खड़े होके होती है, कैसे पता? ये देख, अभी शीशा है, सुबह उठेगा ना जब पढ़ाई करने जाएगा, उससे पहले ये देख शीशे के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा नाम विकास, मैं हूँ बहुत पैसे वाला। अगर तू अपने में बदमाश समझता है अपने आप को, तो तू समझ ले कि तू जीरो है, और मेरे आगे सब बंदे जीरो हैं बेटा। जल्दी पैसा ला के दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझ गया? शीशे में देख के प्रैक्टिस करा कर, पक्का? और पढ़ाई तो बेटा हमेशा करनी है, ठीक है ना? हीरो बनना है ना, फिर फिल्मों में भी जाना है, एक्टिंग भी करनी है, तो कैसे बनेगा? पढ़ाई करके, मेहनत करके। सब्जी भी
नौकरी पकड़ी लगती है ना है बेटा, पढ़ाई करके होती है। हाँ नौकरी पढ़ाई करके होती है, क्या बात है, तेरे को पता है भाई, 10 साल का ना बेटा तू। तो ये सामान बेटा घर में मम्मी बनाती है? नहीं तो खरीद के लेके आते हैं। तो सारे पैसे किसको देते हो आप? अरे वाह, पापा क्या करते हैं बाबू? पापा भुट्टे लाते हैं। भुट्टे। मम्मी क्या करती है बाबू? मम्मी की हेल्प करा करो, आप करोगे ना अच्छे से? मम्मी जो काम बोले कभी मना मत करना बेटा, मेरी माँ माँ होती है ना बेटा, माँ ये लगा लो, माँ सब कुछ आपके लिए इस टाइम, भगवान है, माता पिता, दोस्त, बहन, सब कुछ माँ है बेटा। उसके साथ हमेशा माँ को हमेशा प्यार करना, माँ की हमेशा मदद करना बेटा, प्रॉमिस। चल लव यू। अब ये सामान कितने का बेटा तेरा भाई, सामान जो पड़ा हुआ है ये कितने का सामान है ये देख के बता एक बार, ये टोटल सामान कितने का है तेरे हिसाब से? एक एक प्लेट कितने की बेचता है बेटा तू? एक प्लेट हाफ 30 की है, फुल 50 की। हाफ प्लेट 30 की है, फुल 50 की है, तो कितने की प्लेट होंगी बेटा ये? आधे से ज़्यादा माल तो आप बेच भी चुके हो, तो कितने का माल होगा बेटा आपके पास? 500-600 का सामान है ये। अब मेरा एक काम करोगे आप? पक्का? मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ, इनाम आपको मिल रहा है आज मेरी तरफ से 500 रुपीज़। कितना मिल रहा है? 500 रुपये मिल रहे हैं आपको, ठीक है? आप ये 500 रुपये में से 100 रुपये का सामान जो भी ये भाई खड़े हैं ना जो मेहनत करते हैं इनको खिला दो मेरी तरफ से, और 400 जो है, जो 400 रुपये हैं बेटा वो है आपके इनाम के। अब आप घर पे जाके पैसे मम्मी को देना, गलत जगह मत देना, क्योंकि आप मेहनत करते हो ना दिन रात, थोड़ी सी मेहनत आपकी कम हो गई आज की, तो ये पैसे आपको जाके किसको देने हैं? मम्मी को। और बोलना सन्नी भैया मिले थे जो बच्चों को प्यार करते हैं, ठीक है बेटा।